आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। पूरे देश में आज लॉकडाउन का 56वां दिन है और वहीं देश की राजधानी भी लॉकडाउन झेल रही है। जैसा कि कल दिल्ली सरकार द्वारा ये घोषणा की गई थी कि कुछ एरियाज में दुकानें खुलेंगी, यानी कि कुछ बाज़ार थे उनको खोलने की घोषणा हुई थी, लेकिन साथ ही ये कहा गया था कि जो एरियाज कंटेनमेंट जोन के अंदर आते हैं वहाँ के बाज़ार पूरी तरह से बंद रहेंगे, जिसे लेकर व्यापारियों में और कुछ लोगों में ये भ्रांति थी कि शायद दिल्ली का सबसे पुराना बाज़ार सदर बाज़ार और पहाड़ी धीरज खुला होगा। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि ये एरिया कंटेनमेंट जोन के अंदर आता है, इसीलिए ये पूरी तरह से बंद है। हम देख सकते हैं कि जैसी वीरानगी, जैसा सुनसान पहले पसरा हुआ था वैसा ही अभी है। कुतुब रोड चौक पर ये एरिया कंटेनमेंट जोन के अंदर आता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, बैरिकेड्स, शेडिंग, इनको ये परमानेंट सील किया गया है कंटेनमेंट एरिया। ये वो एरिया है जो सदर बाज़ार, कुतुब रोड को आगे खारी बावली, चावड़ी बाज़ार और चांदनी चौक से जोड़ता है। तो यानी कि हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो होलसेल बाज़ार हैं जो कंटेनमेंट एरिया के अंदर आते हैं वो पूरी तरह से सील हैं और कोई भी गतिविधि नहीं है। 31 मई तक ये सब बंद रहेगा।